थोड़ी है लौंडा है ये वो, तब क्या करना पड़ेगा, तब तो मजबूरी पे कपड़ा ही खोल के ना दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई अगर लड़का ही रहते, अगर लड़का ही रहते तो ऐसा इतना ऐसा जिंदगी नहीं डरे थे आप, हम लोग नहीं डरे थे, वीडियो देखे होंगे हम लोग नहीं डरे थे जब लाठी चार्ज चलाए थे, तो हम लोग जैसे नॉर्मल वाली हम लोग भागे नहीं थे, हम लोग बोले थे ठीक है चलाओ कितना मारोगे, अभी 10 गो मारोगे तो मार लो, जब कल सुबह 10,000 आ जाए मतलब अब राजनीति बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम बिहार में ऐसे भी राजनीति नहीं लड़ सकते क्योंकि ना मेरा इधर कोई ज़मीन है ना मैं इधर का बाल बच्चा हूँ, क्योंकि मेरा घर तो कोलकाता है, मैं शुरू से बोलते गए मैं कोलकाता में हूँ, कोलकाता को हूँ, मैं बिहार में जस्ट अपना बिजनेस करने आई हूँ, मैं अपने इधर नाचती हूँ खाती हूँ कमाती हूँ फिर घर चल जाती हूँ, लेकिन बिहार का जो पब्लिक है जो हम लोग को ट्रांसजेंडर लोग के लिए दिमाग में सोच लगा रखा है कि ये लोग कैसे घिनौना काम करता है, ये लोग बास मतलब बास मांगता है ट्रेन मांगता है ऐसा गंदगी करता है, लेकिन मैं एक बात हम सबको बोलना चाहती हूँ कि सब किन्नर एक जैसा नहीं होता है, मैं बार बार बोलना चाहती हूँ, 2-3 किन्नर के लिए सब किन्नर बदनाम है। अभी आपको एक बात बताएं, लड़का के अंदर बहुत गुंडा बन जाता है और बहुत ऑफिसर बन जाता है नॉर्मल पब्लिक के अंदर भी ना, तो किन्नर के अंदर भी कोई जोर जबरदस्ती करता होगा लेकिन सब एक जैसा नहीं होता, किसी किसी का बहुत मजबूरी भी रहती है, इसलिए आप कोई भी किन्नर को देखिए तो प्लीज़ मतलब इंसल्ट मत कीजिएगा, आप लोग इतना सभी प्यार देंगे तो हम लोग बहुत प्यार देंगे। ये नेचुरल लुक कहते हैं ये किन्नर को, अगर थोड़ा सा भी ये कीजिएगा ना ट्रेन में देख के पैसा मांगते हैं ये लोग, अगर पैसा मांगते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं उन लोग रियलाइज हो गया जितना पैसा रहेगा उतना आपको दे देते हैं, कहीं ये सही है ये बनावटी लोग बात करते हैं। देखिए अभी आप वीडियो में देखेंगे बहुत जगह किन्नर लोग ट्रेन में मारपीट करके पैसा लेते, आप खुद बोले हैं, तो आप ये भी देखिएगा कि ऐसे किन्नर है पूजा बोल के जो ट्रेन में उठेगा 1 रुपये का एक गो सिक्का ही लेता है, अब 10,000 भी देंगे तो नहीं लेगा, वो 1 रुपये ही लेगा, क्योंकि उसको 1 रुपये जुगाड़ करते करते उसको जितना पैसा होता है उसका संसार चल जाता है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब किन्नर एक जैसा है। फर्स्ट बात मैं बोलूँगी मैं अभी ट्रेन नहीं मांगती हूँ तो मैं ट्रेन वाला जैसा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ट्रेन में क्या होता नहीं होता हमको उतना पता नहीं, लेकिन हम इधर जो है इधर जो आप अभी जो हो रहा है आप बिहार में देख रहे हैं जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि किन्नर लोग ये कर रहे हैं किन्नर लोग हंगामा कर रहे हैं कमेंट्स में करते हैं, हाँ वही बात जैसा आपको मतलब आपका वीडियो में कमेंट करता है, तो मैं एक ही बात बोलूँगी अभी देखिए कुछ दिन पहले कितना आसानी से किन्नर का मर्डर हो गया, मर्डर कहाँ पे हुआ था, मतलब श्रीपुर गाँव का नाम है, गोपालगंज जिले में, हाँ गोपालगंज जिला में शायद पड़ता है, श्रीपुर थाना पड़ता है, जैसे एक डांसर का मर्डर हो गया रात को बजा, तो हम लोग कभी पता नहीं चला, अभी थाना में गए थे तो थाना में जाके जब हम लोग सब मिल के बोलने गए तब थाना वाला मतलब लाठी चार्ज शुरू कर दिया, तब आप बताइए आप लोग भी लाठी चार्ज, हाँ आप लोग डरते क्या पीछे कहाँ हटते आप लोग, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पब्लिक नहीं था, हम लोग नहीं डरे थे आप, हम लोग नहीं डरे थे, वीडियो देखे होंगे हम लोग नहीं डरे थे जब लाठी चार्ज चलाए थे, तो हम लोग जैसे नॉर्मल वाली भागने लगता है लाठी चार्ज के बाद, और हम लोग भागे नहीं थे, हम लोग बोले थे ठीक है चलाओ कितना मारोगे, अभी 10 गो मारोगे तो मार लो, जब कल सुबह 10,000 आ जाए आएगा तब तुम क्या करोगे, 10,000 किन्नर आ जाएगा एक जगह, क्यों नहीं आएगा, ये कैसे आप लोग कैसे बनाया, लॉकडाउन में जब ये डांस प्रोफेशन बंद होने वाला था तब कैसे हर थाना में हो रहा था, अच्छा ऐसे हो रहा था, हाँ कहाँ कहाँ से ना किन्नर आया था, पूरा मोतिहारी दरभंगा कहा पटना मतलब सब जगह के किन्नर एक जगह पूरा बिहार का, अच्छा किन्नर समाज के लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, एक किन्नर समाज ने शादी किया है वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, हाँ। ये तो प्यार मोहब्बत है, हाँ। लेकिन पटना में अगर देखा जाए तो एक किन्नर समाज के लोग हैं बेहतरीन रेस्टोरेंट वहाँ पे खुले हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है किन्नर समाज के लोग भी अब सोशल मीडिया के हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे, बहुत आगे बढ़ रहे, आप जो बोल रहे हैं किन्नर रेस्टोरेंट खुला है यार उसमें जितना काम करने वाला है सब ट्रांसजेंडर मतलब हम लोग के LGBTQ कम्युनिटी के अंदर पड़ता है, जैसे ट्रांस कम्युनिटी के अंदर वो पड़ता है, वो गे होता है लेस्बियन होता है ट्रांसजेंडर होता है ट्रांससेक्सुअल होता है ट्रांसवुमेन होता है कोई भी होता है पूरा कम्युनिटी के अंदर है, पब्लिक काम करता है, हम लोग आप ही के समाज के लोग, हाँ हम लोग का समाज के लोग, तो आप तो मेकअप आर्टिस्ट क्यों, क्या हुआ था बंगाल में, आप कौन सा ये की थी वार्ड जीते, देखिए हाँ वो हम लोग का वो मेकअप ट्यूटोरियल होता है ना, जैसे मेकअप का कोर्स का जैसे मेकअप का हम लोग का कोई सरकारी कोर्स नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है, प्राइवेट कोर्स के अंदर हम लोग कोर्स करते हैं, तो कोर्स में जो जो अच्छा अच्छा काम करता है 10 गो चुना जाता है, वो 10 गो दूसरा मेकअप आर्टिस्ट का पास जाता है, जैसे बहुत मेकअप आर्टिस्ट एक जगह होता है उधर डेमो शूट होता है, एक मॉडल के ऊपर मेकअप कराना पड़ता है, तो उधर जिसका मेकअप अच्छा होता है वो प्राइज़ जीतता है,
तो हम ऐसे दो बार जीते थे। अक्सर ये देखा जाता है आप लोगों का हक है प्रदर्शन करना, लेकिन नंगा प्रदर्शन करना ये कहाँ तक उचित है? ये बात हाँ मैं बोल रहा है, पहले भी मैं एक दिन बोली हूँ, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं हंगामा करने, तो पहले हम लोग जब पहुँचते हैं तो साइड से कोई मतलब पुलिस वाला ही बोलता है ये तो नाच का लौंडा है, इसको ये तो नाच का लौंडा है, सबसे बड़ा बात बोलता है नाच का लौंडा है, का है छक्का थोड़ी है लौंडा है ये वो हुआ, तब क्या करना पड़ेगा? तो मजबूरी पे कपड़ा ही खोल के ना दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई अगर लड़का ही रहते, अगर लड़का ही रहते तो ऐसा इतना ऐसा ज़िंदगी जीने का कोई शौक नहीं था, तब एक अच्छा कम बेशक दो गो रोटी कम खाते लेकिन इज्जत का ज़िंदगी जीते, घर में मम्मी पापा के साथ रहते, शादी ब्याह करते। अभी हिजड़ा है, छक्का है, किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, इसलिए ना ये सब काम कर रहे हैं।